स्टैपलेस के सीरियल झनक में झनक जिंदा है, लेकिन ये बात अनिरुद्ध नहीं जानता है और इसी की वजह से झनक के श्राद्ध के मौके पर अनिरुद्ध पूरी तरह से टूट गया है, इतना कि वो वहाँ पर जाने को भी राजी नहीं है। लेकिन आदित्य कपूर उसे फाइनली कन्विंस करता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है झनक के लिए भी कि वहाँ पर अनिरुद्ध मौजूद हो, क्योंकि झनक की लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट तो अनिरुद्ध ही था। वहीं दोनों साथ में मिलकर ब्रजभूषण का भांडा फोड़ने की भी प्लानिंग करते हैं। इसी इवेंट में वो जाएंगे ब्रजभूषण का राज खोलने के लिए और वहां जाकर उनका सामना होगा झनक से, जो अब नूतन बन चुकी है। इसके साथ साथ बहुत इमोशनल सीन्स देखने को मिले। अनिरुद्ध जिस तरह से टूट चुका है झनक की याद में, वो बहुत ही ज्यादा हार्ट टचिंग और हार्ट रेंचिंग है। और अनिरुद्ध और अप्पू दी जिस तरह से झनक से प्यार करते हैं और झनक के जाने से जो उन पर असर पड़ा है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहीं हम आपको बता दें कि अनिरुद्ध ने झनक का गोत्र वही बताया जो अनिरुद्ध की फैमिली का गोत्र है, यानी कि अनिरुद्ध ने झनक को अपनी बीवी की तौर पर सबके सामने उसके श्राद्ध के मौके पर एक्सेप्ट किया और उसे झनक बोस बनाया, जो बात अर्शी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, लेकिन फैंस को ये बात बहुत ज्यादा अच्छी लगी। एक यूजर ने कहा, पंडित आस्क्ड अबाउट झनक्स कास्ट, अनिरुद्ध सेड शी बिलोंग टू देयर कास्ट, टेलिंग हिज फैमिली दैट झनक वॉज हिज वाइफ, एटलीस्ट एक्सेप्टेड फॉर टूडे सिंस इट इज हर श्राद्ध। इविल बासुस को आज भी चैन ना था, कांट इवन रिमेन साइलेंट फॉर सम टाइम। एक और यूजर ने कहा, ही सेड झनक बोस इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, ही आल्सो टोल्ड झनक और उसकी शादी हुई थी, अब कोई ये मत कहना ही डजंट हैव द कॉन्फिडेंस टू कॉल झनक एज हिज वाइफ, इट्स द बासुस हु कांट अंडरस्टैंड एंड अर्शी डजंट नो व्हाट सेल्फ रिस्पेक्ट मींस। एक और यूजर ने इसी बारे में कहा, अनिरुद्ध एंड अप्पू दी सीन्स वाज सो गुड एंड ब्यूटीफुल, देयर फ्लैशबैक्स, द ब्यूटीफुल मोमेंट्स दे बोथ स्पेंट विद झनक मेड मी इमोशनल, नो नजर टू दिस भाई बहन, आई रियली होप झनक को थोड़ी बुद्धि मिले और एंड अंडरस्टैंड्स देम एंड बी विद देम ऑलवेज।